पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर है, आपकी यूथ विंग करेगी विरोध प्रदर्शन। परीक्षा को लेकर यूथ विंग का प्रदर्शन, नीट और जेई की परीक्षा स्थगित करने की मांग है। 10:30 बजे जीपीओ पर विरोध प्रदर्शन करेगी आप। नीट और जेई की परीक्षा को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है लगातार कई विपक्षी दलों की तरफ से, और आज लखनऊ में आपकी यूथ विंग की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि नीट और जेई की परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। लखनऊ के जीपीओ चौराहे पर यह प्रदर्शन होगा। तो नीट और जेई की परीक्षा को लेकर लगातार कई छात्र संगठन की तरफ से भी प्रदेश भर में और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रही है और इसको स्थगित करने की मांग भी लगातार कई संगठन की तरफ से, कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार उठाया जा रहा है। और इसी को लेकर आज लखनऊ में आप पार्टी की यूथ विंग जीपीओ पर विरोध प्रदर्शन करेगी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर। तो नीट और जेई की परीक्षा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और शिवा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवा, लगातार जब से नीट और जेई की परीक्षा को लेकर तारीख का ऐलान हुआ है, तब से देश भर में कई संगठन हैं, कई विरोधी पार्टियां भी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, और उसी को आज ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की यूथ विंग जीपीओ पर विरोध प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, ये कहा जा सकता है कि इस कोरोना काल में तमाम जो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो, लिहाजा चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में भी इस प्रदर्शन को देखा गया है, लेकिन आज 10:30 बजे सुबेरे हजरतगंज के जीपीओ पर तादाद में छात्र छात्राएं अपने घर से निकल करके एग्जाम सेंटर आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है, और इसी बात का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी की आज विंग हजरतगंज प्रदर्शन करेगी। और पुलिस की तरफ से यह भी चेतावनी है, क्योंकि कोविड महामारी का दौर भी चल रहा है और लखनऊ में धारा 144 भी है, तो पुलिस की तरफ से यह कहना है कि अगर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी की यूथ विंग तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।